अजी राम राम सा पटेल जी कटे जा रहा है जो आज। अरे राम राम सा अड़े आगा कि मैं तो घूमबा फिर बागार कि मैं कसाना को फूफो जू मार्के आला को जो लणियारी खातर आई जू। अच्छा यहाँ के नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे साथ एक हास्य कलाकार, हंसाने वाले, हंसोकड़े बोलते हैं इन्हें, वैसे नकलची बोलते हैं वैसे लोग, जो अगर राजस्थान की भाषा में बात करें तो सांग के तौर पे इन्हें जाना जाता है, और यहाँ लोकल भाषा में इन्हें नकलची बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इनका परिचय लेते हैं। राम राम सा पटेल जी। राम राम सा, राम राम सा। अच्छा यहाँ बताओ, थारो परिचय बताओ पहली तो। थे परिचय, मेरे नाम से पूर्णमल गुजर, अजीतगढ़ का रहने वाला हूँ। ये जो हंसाने वाला जो काम है, यही क्यों सीखा आपने? सर ये मेरे जन्म से ही कीड़ा था, जब से मैं जन्म लेने के बाद में प्रोग्राम देखता था तो मैं ऐसे करता था कि हंसाने से लोगों की आत्मा खुश होती है, अपन यही काम करेंगे हंसाने वाला ही। अच्छा, इसमें आपका कोई गुरु है या आपने खुद ही आप अपने गुरु हैं? देखो पहले तो मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को तो खुद ही करता था, और बाद में ये प्रोग्राम वाले जो रतन जी यादव हैं उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक प्रोग्राम करना है। तो करीरी के अंदर प्रोग्राम था तेजाजी महाराज का, वहाँ पे मेरे को ले गया, तो वहाँ बहुत पब्लिक खुश हुई हंस हंस के। अच्छा ऐसा बताओ कि आपने पहला प्रोग्राम दिया, उसमें ऐसा कौन सा डायलॉग था जिनकी वजह से लोगों ने उस डायलॉग को सुना, पसंद किया और सबसे ज़्यादा तालियां बजाई? वो डायलॉग के हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। पहले पूछा गुरुजी ने कि तू कहाँ से आया, तो मैंने बोला कि मैं ईरान गली परेशानी मोहल्ले से आया हूँ। फिर कैसे कहाँ आया है मैं को, मैंने यहाँ इनका फूफा जी लगता हूँ कसानों का, तो लणियारी खातर आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा काम क्या करता है, मैंने बोला कि मैं बियर फैक्ट्री में मैनेजर हूँ। अच्छा, बियर फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे इन्होंने अपना जो डायलॉग बताया वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें आधे से ज़्यादा लोग इन्हें जानते होंगे, आप कौन कौन इन्हें जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका जो पहला गुरु, आप खुद थे या आपने किसी को बनाया या आप अपने आपके खुद गुरु हैं? पहले तो मैंने कलाकारी वो करी थी 26 जनवरी 15 अगस्त को, बाद में मेरे को मेरे गुरु रतन यादव वो ले गया प्रोग्रामों में, पहला गुरु है। और दूसरा गुरु मेरे को चढ़ाने वाला वो है इंद्राज जी यादव, इंद्राज जी रावत चिमनपुरा वाली। अच्छा, इनके जो पहले तो यादव साहब इनके पहले गुरु थे, और दूसरे जो जिनके साथ में इंद्राज जी के साथ में इन्होंने काम किया तो उन्हीं के माध्यम से इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। आपने राजस्थान के अलावा अदर स्टेट अदर राज्य में भी अपना प्रोग्राम दिया है क्या? राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में दिया है, गुजरात में दिया है, कई जगहों पे दिया है। मतलब आपने राजस्थान के अलावा भी बहुत बड़े 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 प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं, तो वहाँ पर आप बताना चाहेंगे एक ऐसा डायलॉग महाराष्ट्र या गुजरात में वहाँ पर लोगों को पसंद आया हो, एक कोई डायलॉग हमारे दर्शक दर्शक देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपके मुँह से? वहाँ का डायलॉग है गुजरात का, वो बोले कहाँ पे जन्म लिया, मैंने बोला कि मैं बैंगनू की बाड़ी में जन्म लिया हूँ। बैंगनू की बाड़ी में जन्म लिया ये डायलॉग है वहाँ का। अच्छा, और जो गुजरात में दिया और महाराष्ट्र में, वहाँ का गुजरात में दिया है कि क्या काम करता है, वो मैं बोला कि मैं दारू की फैक्ट्री में मैनेजर हूँ। बोला आप क्या कितने आदमी हैं मेरे पास, मेरे को 3.5 लाख आदमी है, आपकी वाइफ क्या करती है? मैंने बोला मेरी वाइफ जो ये जानवरों के हॉस्पिटल में नर्स है, वो तो क्या करती है, मेरे को कुत्तों की डिलीवरी करवाती है। अच्छा, मतलब इन्होंने अपनी वाइफ को भी कुत्तों की डिलीवरी वाली जो एक नर्स होती है वो बना दिया है। तो दोस्तों देखो, कला इसे बोलते हैं कि इनकी जो पेश करने का तरीका है, किस तरीके से ये पेश करते हैं। आपके बेस्ट डायलॉग कौन कौन से हैं वो जना अपनी उस लैंग्वेज में, उस भाषा में जो हमेशा आप प्रोग्राम में देते हैं, उस तरीके का कोई डायलॉग जो आपको याद हो वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं।
डायलॉग बेस्ट ऐसे है कि सामने वाला कोई भी खड़ा रहो तो उसको बैठाने के लिए तुरंत उसकी या तो नकल कटाओ या बोलो बैठ जा, हमें भी, हम भी आदमी, हम भी इंसान है, वो नहीं बैठता है तो ऐसे बोल देते, अरे बैठ जा, तू तो टी शर्ट पहन रखा, हमारी वाइफ ने पहले ही पहन चुकी थी। अच्छा कि तू तो टी शर्ट पहन रखा है, हमारी वाइफ तो पहले ही पहन चुकी है, बल्कि वाइफ टी शर्ट पहनती नहीं है, मगर आज के दौर में वाइफ टी शर्ट पैंट शर्ट सब पहनती है, तो वो एक डायलॉग है इनका। या फिर कोई गंजा हो तो उसकी नकल कटा देते हैं, अरे बैठ जा, नमूनिया हो जाएगा, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, मतलब गंजे को नमूनिया कर देते हैं। हाँ, ऐसे होता है सर। अच्छा अच्छा, बहुत इनका अच्छा डायलॉग डिलीवरी है। इनके अलावा वो जैसे पब्लिक बैठी रहती है, उनकी नकल कटाना, उनके सामने हंसना रोना, ऐसा होता है उनके लिए। और या फिर किसी को, हमारे पास जो साथी कलाकार होता है लेडीज़ का जो रूप करा होता है, उसके लहंगा वहंगा गिरवा देते हैं, उसकी डिलीवरी विलीवरी करवा देते हैं, पब्लिक हंसने लग जाती है, भाई ऐसे बोलते हैं कि इतना बड़ा डिलीवरी हुआ है हमारे। अच्छा अच्छा, मतलब ये अपने प्रोग्राम में भी वहाँ पर डिलीवरी करवा देते हैं। अरे बैठ जाओ माकड़ के मुँह वाले, कितनी देर हो गई तेरे को, बैठ नीचे। अरे बैठ जा जीजी, तेरा जिया का टावर तो मारे पान दस से बन, तेरे जिया चोलिया मंगाल कोंडोलिया ने अच्छा ये उस टाइम पर बोलते हैं जब कोई लेडीजें प्रोग्राम में खड़ी हो जाती हैं, बैठती नहीं है, तो ये इस तरह से उन्हें बैठा देते हैं, उसे बैठना ही पड़ेगा। अरे दापली आ तो साड़ी बांध रही है, तू ही तू दिखा से बैठ जा, डीप मारे भी घर वाली पहले साड़ी बांधती। अरे यागो यागो अरे आर कसड़िया, अरे तेरो मुंडो जाए हरे जो यानी दापली जी जी को हरियो है धापली जी जी की नहीं मुंडो कजोड़िया को। दोस्तों मैं इनसे एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग प्रोग्राम में आते हैं और वहाँ पर प्रोग्राम देखो पैसों से जो होता है ना, एक चंदा थोड़ा बहुत देते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए कलाकार, तो वो किस तरह से निकलवाते हैं बैठे हुए से, एक से दो से तीन से हजारों की संख्या में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ पर भी प्रोग्राम करवाते हैं, तो वो कला कौन से उस पर देखे इनसे पूछते हैं। वो ऐसे है सर, भाग के या तो टेंट के ऊपर जाके पैरों से नीचे लटक जाए और बोले कि या तो पैसे दे दे, नहीं मैं यहाँ से आत्महत्या करूँगा या मरूंगा। अच्छा, टेंट के ऊपर जाके उल्टे पैर लटक जाते हैं कि पैसा दे दे नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मजबूरी में वो पैसा देगा ही देगा। तो ये इनका एक सबसे बड़ा कला है, अलग अलग है, और उनका मनोबल बढ़ जाता है कि भाई हम इतना दान देंगे तो ये दान खुद तो लेके जाएंगे नहीं, ये महाराज के मंदिर के अंदर ही चलेंगे, जो भी प्रोग्राम करवा रहा है उसी के काम में आएगा, उसी के काम में आएगा, ऐसे है, अलग अलग है। बीच बीच में हंसाने के लिए गाने की, जैसे नाच मारी तीतरी तन बैल बैठ को लेंगो लिया दू ये मारी तीतरी, अरे कबल बल अरे कबल बल मारी तीतरी तन बैल बैठ को लेंगो लिया दू ये मारी तीतरी तो ये देखो हंसाने के साथ साथ संगीत के माध्यम से भी आपका मनोरंजन करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी इनके बारे में ज़रूर से बताएं। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये एक बड़े बहुत ही छुपे हुए रिस्तम हैं, अभी सामने इंटरव्यू में इनका जो परफॉर्मेंस है वो खुल के नहीं आ रहा है, अगर आपको कहीं पर भी इनसे प्रोग्राम करवाना हो लेना हो तो सीधे आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, या तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या इनका मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आपको कहीं पर भी आप इनका एक बार प्रोग्राम देखेंगे तो वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा, इनकी पूरी टीम है, तो इनसे ऐसे छुपे हुए कलाकारों को उभारने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितनी खेतीबाड़ी है, कितनी ज़मीन है, क्या क्या आप बोते हैं, तो एक बार वो भी बताएं। खेती बाड़ी तो सर आपकी आंखों की नजर जारी वहीं से अपनी। अच्छा? ही अपनी है।
अच्छा, नजर तुम्हारी बहुत दूर दूर तक जाती है, वो त्रिवेणी का जो डूंगर है ऊपर तक दिखती है, वहां तक जा रही है हमारी? वहीं तक, अपनी ही अपनी है सारी। अच्छा, मतलब आपने सभी सारी जमीन का पट्टा अपने ही नाम करवा रखा है? नाम है सर। अच्छा अच्छा मतलब इनकी नजर जहां तक भी जाए वो इनका ही है सब कुछ। तो आप सब लोग देख रहे हो तो अपनी घरवालियां जो भी है उन्हें अंदर छुपा के रख ले, इनकी नजर वहां तक पहुंच रही है तो वो कहीं वो उनको भी अपना नहीं बना ले। तो दोस्तों ये तो इनकी है एक कला हंसाने की। थे खेती बाड़ी में क्या क्या बो रखा है? 97% तो गेहूं वहां मिला था, गेहूं ने कटा दिया अभी, सामने बोरी बोरी पड़ी से। अच्छा, और बच गया जो बोरी बीत गई जना कट्टा पर दिया है 40 किलो की 20 किलो की भर्ती वाला। अच्छा, और कट्टा भी बीत गया जना खुला घेर दिया सारा। अच्छा, खुला घेर दिया मतलब पूरा नहीं? हाँ, और 2% में जो बाया था जो अभी कटाया को ना। अच्छा, और 1% में अजवान भाई जी, अजवान की 7.5 क्यारी भाई जी, जब 7 क्विंटल होगी ठोक ठोकर भर दिया साहब। अच्छा, 7 क्यारे में 7 क्विंटल की अजवान हुई जी, भाई भी ठोक ठोकर भरिया जी। हाँ जी, हाई फाई काश्तकार से ना अपने, 7 क्यारे में ही 7 क्विंटल हो। ये देख लो हाई फाई का काश्तकार थे, अगर था ना 7 क्यारे में 7 क्विंटल अजवान उगानी हो तो आंसू जरूर संपर्क कर जो, कमेंट कर आंसू जरूर पूछो कि राज काई सभी को। हाँ, और कोई ना अजवान जा चाहे तो आपने कन ले जाओ। है बहुत बड़ा सेठ जी भी थी, अजवान चाहे तो उधार में भी दे दिला था ने। ले जाओ कोई नहीं, भी टापर टूब रहेंगी जब लाइन लगा मिले हो तो ले जाओ आपने कन ले जाओ। अगर टापर टूब रहेंगी लाइन लगा रहे हो तो ले जाओ, अजवान की कमी कौन जाके कन। सोचे मैं थाने बता दू जो एक बार एक गुजर छो नाथुराम गुजर जाकर घर ने डिलीवरी हो वाली जी, उनको बच्चों जार खो दादा डिलीवरी हो वाली से कोई गाड़ी मंगा। दादू बोलो गाड़ी को गाई कर लो अपनी खूंटी के बंदूक टक्की से बतार लिया। अब दादो दो ही खुड़का करियो अलग देसी टापरों को, अति देर में एक ही रंगो बच्चों सुन रहे जो कहते दादा कन तो सिस्टम तगड़ो, ई रंगे भी 5-6 महीना बाद डिलीवरी होगी। कहते अभी गुजर बाबा ने बुला लिया, वो भी आपने भी डिलीवरी हो वाली जाए। अच्छा, गुजर बाबा ने बुला लिया, गुजर बाबा ने लिया कहते बाप दादा मारे भी एक डिलीवरी हो वाली जाए। कहते भाया बंदूक तार लिया खूंटी कासू दो खुड़का करा टापर कालजाम छड़कू ऊपर नीचे बाकी बजाय कालजाम ऊपर छड़कू। हाँ, ऊपर चढ़ो जना कहते दादा यो कहीं सिस्टम में। कहते एक गड्डी लिया 20-1 रुपया का खुला लिया, खुला लिया गड्डी में गाल 20-1 रुपया ने खड़ देसी बजायो जना टापर अलग देसी हो गो। दाद वो बूझो यादवा को बच्चों की यो कहीं यो दादा कहते रे भाया मारली को मैं की जय मैं बंदूक को खुड़को करा जना मायने गर्म में टापर जो जो भी आए सोचो कि आपने गरखा मर लिया आपने मर लियो अब कहीं लो सो। और वही रंग भाई जय जो अं सोचो गड्डी में पीसा बजाया जना कि आपने भी बटवारो कर रहा था आपने भी चाल बटवारो कर बटवारा था नहीं। देखो टावर भी कतो समझदार हो गो कि पेट सु बाहर माँ का पेट सु बाहर ने तुरंत पीसा की खनखनाट सुनर बाहर ना गो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कभी सिचुएशन कोई आई हो कि आपने प्रोग्राम दे रहे हो और भीड़ बेकाबू हो गई या हद से ज़्यादा पब्लिक आ गई हो, तो ऐसा कोई वाक्य आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर बताएं। सर कई जगह हो जाता है, हमारे जो गुजर समाज है देव महाराज का मेला पड़ता है जोधपुरिया, यहाँ से पैदल यात्रा जाती है तो हमें निवाई के अंदर टोंक निवाई के अंदर आमंत्रित किया प्रोग्राम के लिए, तो हम वहाँ गए। वहाँ लगभग 60-70 हज़ार के समथिंग पब्लिक थी, उनमें पब्लिक खड़ी हो गई न दिखने की वजह से, फिर उसको प्रोग्राम को बंद किया और बाद में जो पर्दा सिस्टम आता है पर्दों पे वो प्रोग्राम दिखाया तब जाके पब्लिक। तो देखो कि ये दूर दूर तक जाते हैं तो वहाँ पर इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि हजारों में तो अभी हैं इनके, हजारों में लोग आते हैं और पब्लिक बेकाबू हो जाती है तो इन्हें बड़े पर्दे पे माध्यम से दिखाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति भी इनके सामने आती है। दोस्तों ये कला के धनी हैं, अगर ऐसे कलाकारों को राज्य सरकार से भी अगर आमंत्रित किया जाए, प्रोत्साहन राशि दी जाए या उन्हें प्रमोट किया जाए तो ये इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, ये कला के धनी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये गाँव में रहते हुए भी अपनी
अपनी कला है गुरु के माध्यम से सीखी इन्होंने और अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आप शरीर का जो ये बांकपन है, जैसे किसी में टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे लकवा रखा, ये जन्म से है या ये आपकी कला ही है, या ऐसे कितने एक रोल आप कर लेते हैं? सर, ये मेरी कला ही है, ऐसे टेढ़ापन का कम से कम 20-30 रोल कर सकता हूँ मैं। अच्छा, 20-30 रोल की कोई छोटी छोटी झलक में हमारे दर्शकों को दिखाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा उन्हें। हाँ, ये दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, ये था ना 20-30 अलग अलग तरीके का रोल दिखाऊंगा, तो गौर सु देख जो वीडियो ने, गौर सु दिखाओ।